इतने ठंड में भी श्रद्धालु भक्त सब यहाँ पे ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे हैं। वाओ, यहाँ पे ऐसे कॉइन चिपकाया जाता है तो जिसको चिपक जाता है उसको बोला जाता है भाग्यशाली है। सो मेरा चिपक गया। तो यहाँ पे और एक श्रद्धालु बैठा हुआ है, देख लीजिए आप लोग इतना ऊपर ये बकरी चढ़ा कैसे। अभी हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन की ओर, स्टेशन में तो पहुँच चुके हैं, अभी हमारा ट्रेन आने वाला है और हम लोग जाएंगे NJP2 गुवाहाटी। हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं लेकिन हमारा ट्रेन है पूरा कितना लेट है देखिए, हमारा ट्रेन एकदम 1 घंटा 13 मिनट लेट है। ट्रेन का वेट करते हुए हम लोग खा रहे हैं मैगी। सो हमारा अभी ट्रेन आ चुका है तो हम लोग जा रहे हैं ट्रेन की ओर, हम लोग अभी चढ़ेंगे ट्रेन पे। सो हमारी ट्रेन निकल चुकी है प्राकृतिक सुंदरता के साथ और ये हमारा खाना आ चुका है जिसमें रोटी दाल चावल चिकन दही और उसके साथ दिया है नमक और दिया गया है स्पून और है हमारे लिए टिश्यू पेपर और एक चटनी भी मिला हुआ था और लास्ट में मिला हम लोगों को आइसक्रीम। तो अच्छा खासा खाना मिला हम लोगों को ट्रेन में। हम लोग गुजर रहे हैं आसाम के पहाड़ों के बीच से, देखिए कितना सुंदर सुंदर पहाड़ है। एक्चुअली आसाम बहुत प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ राज्य है, यहाँ पे आप लोग पानी भी देख सकते हैं, देखिए मतलब ऐसे जगह जगह में पानी जमे हुए भी अच्छे लगते हैं। सो हम अभी उतर चुके हैं कामाख्या स्टेशन पे, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे कामाख्या मंदिर। 300 रुपये कितना लेगा? 300 रुपये 300 रुपये मंदिर तक जाने के। 300 हम लोग का होटल हो चुका है, मंदिर के पास में होटल है, वहाँ तक जाएंगे अभी। हम उतर चुके हैं और हम लोग ऑटो करके जा रहे हैं अभी होटल की ओर, प्रस्थान कर रहे हैं। बोला है भैया ने 300, हम लोगों ने 250 दिया है अभी। हाँ तो मैं ही दे दूंगी ना। अरे यार पैसा बना दो, मोनिटाइज कर दो, पैसा देना है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, अभी बज रहे हैं 7:00 PM। तो हम लोग अपने रूम में आ चुके हैं, एक छोटा सा लॉज लिया है मंदिर के बस पास में ही है, बगल में ही है जहाँ पे ऑटो स्टैंड है उसके पीछे तरफ ही है, उतना बड़ा तो नहीं है, ठीक ठाक का छोटा मोटा है नहीं रूम, लेकिन अच्छा खासा है। 2 डबल बेड डाल दिया है 3 लोगों के लिए, बढ़िया है। गीज़र भी है यहाँ पे और एकदम वॉकिंग डिस्टेंस में ही है मंदिर भी, जिससे कि कल सुबह ही हम लोग नहा के यहाँ से निकल के जा सकते हैं। तो बस और ज़्यादा दाम भी नहीं पड़ा, ओनली 1200 ने अच्छा खासा रूम मिला है विद गीज़र, प्राइवेट बाथरूम, 2 बेड। सो अच्छा खासा रूम है। तो अभी रेस्ट करेंगे फिर सुबह को मॉर्निंग में जल्दी से उठ के जाएंगे दर्शन के लिए। हम लोग आ रहे हैं खाने के लिए, अभी बज रहे हैं 8:00 PM, तो अभी खाएंगे पियेंगे उसके बाद सो जाएंगे। हम आए हैं यहाँ पे पास के ही वेज होटल में जहाँ पे प्योर खाना मिलता है, यहाँ पे एकदम वेज खाना मिलता है प्योर, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। देखो मेन्यू देख के थोड़ा डिसाइड करो क्या खाना है आपको, देख लो। अच्छा इसमें कैसा है, जीरा राइस खाना है ना प्लेन राइस लेना? नहीं मुझे प्लेन चाहिए। क्या है वो? तंदूरी वेज थाली कॉम्बो। अच्छा इसमें क्या क्या है थोड़ा दिखाना, इधर इधर दिखाना थोड़ा। यहाँ पे जीरा राइस शायद ये रिप्लेस कर देगा ना कि प्लेन राइस में। हाँ पूछ लेते हैं। अच्छा ये में बहुत कुछ मिल जाता है, ओनली 200 में। अच्छा काफी बढ़िया है ये तो, फिर प्राइस भी ज्यादा नहीं है। अच्छा एक बार भाई से भी पूछ लो, अनु भाई से क्या लेंगे वो। ठीक है देखो सर जी क्या लेना है आपको। कुछ एक्स्ट्रा में मंगाना है तो भी बैक साइड में भी है। आपको तो आलू फेवरेट है। अच्छा वो जीरा राइस को थोड़ा प्लेन राइस के साथ वो रिप्लेस कर सकते हैं ना, अभी उनको बोलेंगे तो उनको रिप्लेस करने के लिए बोलेंगे। डर है ना ये वाला डर। वाओ हमारा वेज थाली आ चुका है। क्या है इसमें थोड़ा पास में आके दिखाओ थोड़ा। क्या है? मशरूम, तंदूरी मशरूम है, यहाँ पे दाल है, ये आलू जीरा है, ये क्या है, ये चना है, छोले 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 यहाँ छोले और ये राजमा है। नहीं पहुँचेगा तो मंगाएंगे। ये क्या है? बटर नान, पापड़ है, नीचे से चावल भी है। ये क्या है? ये मशरूम, नहीं ये
पनीर 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 बटर पनीर। अच्छा ये स्वीट्स है। हां चलो बढ़िया है खाना, स्टार्ट करते हैं। मीठा को छापाओ भी क्या? क्यों नहीं, बहुत सारा है देखो। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम लोग रेडी हो चुके हैं, जाएंगे अभी मंदिर में लाइन देने के लिए, नहीं तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगा। सुबह सुबह मॉर्निंग में 4:30 में उठ के अभी 4:30 एक घंटा लगा नहाने धोते हुए, तो अभी जाएंगे मंदिर, उसके बाद देंगे लाइन, फिर देखते हैं कब तक में पूजा हो पाता है, दर्शन हो पाता है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गाइज मंदिर के बाहर में, बस सीढ़ी के पास में ये दुकान था, तो यहाँ से हम लोग पूजा के लिए सामग्री ले रहे हैं, माता के लिए चुन्नी माला नारियल दिया सब कुछ ले रहे हैं, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करते हुए, क्योंकि लड़कियों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है ना बार्गेनिंग, उसके बिना मज़ा नहीं आता। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और इसको ख़त्म करके हम लोग जाएंगे लाइन देने के लिए। श्रद्धालुओं का इतना सारा भीड़ है, वाओ। जय माता दी। हेलो, लेट्स रॉक। हाय, गेट के बाहर से इतना, मतलब गेट तक पहुंचे भी नहीं, इतना ज्यादा लोग है लाइन, मतलब इसमें कितने होंगे, 1000 जैसे लोग होंगे क्या बाहर, क्योंकि पूरा ऊपर गेट से ही लाइन स्टार्ट है, ये तो एकदम नीचे एंडिंग में होता है। 3 काउंटर है वहाँ पे, आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, फिर टोकन दिखा के आप अंदर जा सकते हैं। वहाँ से मुझे मिला ये और ऐसा QR कोड रहता है साथ में, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि मेरा नाम यहाँ पर क्या लिख दिया है, ओह माय गॉड, कनबित। दिस इज पास नॉट ट्रांसफरेबल और टू बी यूज बाय एनी अदर देन यू। जय माता दी। इतने ठंड में भी श्रद्धालु भक्त सब यहाँ पे ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे हैं, वाह। यहाँ पे ऐसे कॉइन चिपकाया जाता है, तो जिसका चिपक जाता है उसको बोला जाता है भाग्यशाली है, तो मेरा चिपक गया। ये कामाख्या मंदिर बाहर से ऐसे दिखता है, एक्चुअली ये ना एक माँ सती देवी का शक्ति पीठ है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, बहुत सारे श्रद्धालु बहुत दूर दूर से यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, सो हम लोगों को भी 3-4 घंटे का लाइन लगने के बाद में ही दर्शन पॉसिबल हो पाया। तो यहाँ पे और एक श्रद्धालु बैठा हुआ है, देख लीजिए आप लोग इतना ऊपर ये बकरी चढ़ा कैसे। कामाख्या दर्शन खत्म करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं उमानंद टेम्पल के दर्शन के, और ये यहाँ पे शिपयार्ड है, हम जाएंगे शिप के द्वारा। तो अभी हम लोग चढ़ चुके हैं हमारे शिप में, वो आगे जो आइलैंड दिख रहा है वही है उमानंद टेम्पल। एक्चुअली ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड माना जाता है, और ये है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में, और ये आप देख रहे हो केवल कार, इसके द्वारा हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस भी कर सकते हैं। और ये हम लोग आ चुके हैं उमानंद मंदिर, मतलब भगवान शिव का मंदिर। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ होता है, क्योंकि माता सती का मंदिर कामाख्या मंदिर आके हर कोई श्रद्धालु यहाँ पर भी दर्शन के लिए आते हैं, कैसे भोलेनाथ को छोड़ दे, तो दोनों में ही आते हैं। तो आप लोग भी गाइस कभी कामाख्या मंदिर आओगे तो यहाँ पर भी ज़रूर आना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में आइलैंड है, बहुत ही सुंदर जगह है। तो हमारा पूजा करना ख़त्म हो गया, तो हम लोगों को बाहर मिला फ्रूट चाट, तो हम लोग ले रहे हैं फ्रूट क्योंकि आज मेरा फास्ट है, और फ्रूट मिल गया तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए। सो आज का हम लोगों का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, हमारा दर्शन हो गया कामाख्या और उमानंद का, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध जाना माना मंदिर है। आप लोग भी गुवाहाटी आओ, यहाँ पर भी घूमो, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो हम लोग कल फिर से जाएंगे गुवाहाटी के आसपास के जगहों में घूमने के लिए और नया ब्लॉग बनाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।